प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास विभाग की समग्र योजनाएं जिनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त और पंचायती राज विभाग को की योजनाओं को जमीनी धरातल पर जो ले जाने का कार्य कर रहे हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, निदेशक पंचायती राज श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी ग्राम प्रधानगण, पंचायत सचिवगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज से जुड़े हुए तीन बड़े कार्यक्रमों को आज यहाँ पर एक साथ आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 370 ग्राम पंचायतों को आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर जिनका जन्म हुआ या जिनके पूर्वजों का जन्म हुआ लेकिन वे प्रदेश के बाहर देश में या दुनिया में अपनी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के लिए चले गए, वे अपनी मातृभूमि के विकास के में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए एक अभिनव योजना मातृभूमि योजना का शुभारंभ और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जो प्रदेश में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको और जो प्रदेश के बाहर भी हैं उन सबको मातृभूमि योजना लागू होने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना 370 ग्राम पंचायतों को यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर 10 नगर निगम स्मार्ट नगर निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7 अन्य नगर पंचायत नगर निगमों को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन आज ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, ग्राम सचिवालय से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के अच्छी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, LED स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, VC सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं वे सभी ग्राम पंचायत भी इस तर्ज पर आगे बढ़ सके इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं, क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए।
बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेस से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी, लेकिन ये सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से हर परिवार से लेकर के। और फिर दो प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टोटी लगी हो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टोटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है कोई पूछने वाला नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन प्रचुर मात्रा में जल संसाधन का मतलब यह नहीं होता है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि शुद्ध पेयजल आधे से अधिक बीमारी का उपचार कर सकती है। जो लोग शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं, या ये हर घर नल की योजना तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सभी गांवों के लोगों को सुविधा भी दें, लेकिन साथ साथ अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय ने जहां एक्टिव रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है और वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रख करके सर्टिफिकेट देने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे ग्राम पंचायतों की इनकम भी बढ़ी है, काफी बड़ी इनकम बढ़ी है, और बहुत सारे लोगों ने उस पैसे का उपयोग गांव के विकास के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय देने के लिए, अन्य कार्यक्रमों के साथ किया है। और हम भी अपने ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास एक अवसर है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा अभी हम लोग जब यहाँ पे मातृभूमि योजना लॉन्च कर रहे थे और मैं यहाँ पर दो सज्जनों से, श्री संजीव राजोरा और श्री विवेक चौधरी जो यूएस कैलिफोर्निया में निवास करते हैं, लोगों से संवाद बना रहा था। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है, और मुझे लगता है कि हम तो मनुष्य हैं, आप देखिए किसी पशु को भी अगर आप बेच देते हैं, बाहर कर दे, तो दौड़ करके फिर वहीं वापस आ जाता है। तो फिर मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति उसके मन में लगाव क्यों नहीं होगा। और जिसके मन में लगाव नहीं है, इसका मतलब वह उस पशु से भी बदतर है जो अपनी भूमि के प्रति लगाव रखता है। और हर व्यक्ति सम्मान का भाव रखता है, आवश्यकता उसको जोड़ने की, उसके विश्वास को अर्जित करने की। इससे पहले लोगों को मालूम था कि पैसा भेजेंगे, अभी तक तो प्रदेश सरकार के बजट पे बंदरबांट हो रहा है, अब हम भी भेजेंगे उसमें भी लोग ऐसे बंदरबांट करने लग जाएंगे, इसलिए भेजने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, हमने बजट में इस बार 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है और हम आने वाले समय में इस राशि को और बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हर ग्राम पंचायत में, जैसे हमने ग्राम सचिवालय बनाया, मैं भी आपसे कह रहा था ना यहाँ पे से संजीव राजोरा से जब बात कर रहा था या से विवेक चौधरी जी से बात कर रहा था, तो मैं दो तीन योजनाएं मैंने उनके सामने कही। उनकी रुचि स्वास्थ्य सेवाओं में थी कि गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और डिस्पेंसरी मिले। मैंने कहा डिस्पेंसरी के साथ साथ अगर एक हेल्थ एटीएम लग जाए, गांव के किसी एक व्यक्ति को हम ट्रेंड कर दें, 60 प्रकार की जांचें उस हेल्थ एटीएम से हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें, और वह किसी बड़े सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ के SGPGI से, KGMU से, या किसी भी बड़े संस्थान से अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो
गांव के व्यक्ति को सामान्य उपचार के लिए कहीं गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव के अंदर ही लोगों को फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और एक हेल्थ एटीएम की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की होगी। केवल एक ऑपरेटर वहां रखना है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग देनी है, जो कंपनी सप्लाई करेगी वही कंपनी उसकी ट्रेनिंग भी करा देगी, लेकिन गांव के लोगों को कितना लाभ मिलेगा। और इसीलिए मातृभूमि योजना इसी बात को लेके, कन्वेंशन सेंटर बनाना, बारात घर या कोई भी फंक्शन करने के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गांव का अपना कार्यक्रम होना चाहिए, गांव सभा का उसको रखरखाव करना चाहिए। एक न्यूनतम चार्ज आप लीजिए, कॉमर्शियल रूप से मत चलाइए, लेकिन न्यूनतम चार्ज रखरखाव की व्यवस्था, मेंटेनेंस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ये नियमित होती रहे, इसके लिए कुछ कर्मचारियों को रखना, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ गांव के पास एक एसेट्स भी होगा कि देखिए हमारे पास अपना एक कन्वेंशन सेंटर है, हम बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्राम पंचायत में हो जा रहा है, अन्य गांवों के लोग भी फंक्शन करने के लिए वहां पर आएंगे, अगर आपने रख रखाव करके उस व्यवस्था को अच्छा बनाया है। गांव की अतिरिक्त इनकम भी होगी, और उसमें नामकरण की पट्टिका लगाइए, किसके सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है, किसने किया है, श्री विवेक चौधरी ने, श्री संजीव राजौरा ने इसको अपने फलाने पूर्वज के नाम पर यह बनाया है। भाइयों बहनों, उस पूर्वज का स्मरण गांव के लोग हमेशा करेंगे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वे कैलिफोर्निया में गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, वहां पैसा कमा रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये वही दायित्व है जो हमारे वेदों ने हमें प्रेरणा दी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। अपनी धरती माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक प्रेरणा हमारे पास होगी। ये वही भाव होगा जो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, जब लंका पर विजय करने के उपरांत सोने की लंका पर लक्ष्मण जी थोड़ी मोहित हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। यानी मां और जन्मभूमि इन दोनों से, दोनों स्वर्ग से बढ़कर के होती हैं, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। और उस अतुलनीय योगदान के लिए अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, मैं उनसे कहूंगा कि योजना अभी हम ग्राम सभा में लागू कर रहे हैं, लेकिन इसको शहरी क्षेत्र में भी लागू करने की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हर शहर में भी लागू, शहर में भी कन्वेंशन सेंटर बनने चाहिए। गांव में तो लोग फिर भी जहां तहां कर लेंगे कार्यक्रम, शहर में तो लोग सड़क घेर के बनाते हैं, सड़क में क्यों करेंगे कार्यक्रम, उनके लिए भी व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में मातृभूमि योजना को लागू करने की तैयारी होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी हो, देश और दुनिया में कहीं भी रहते हैं उनको उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, और प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने लोगों को वहां से जोड़ें। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले सांझापुर के एक बड़े उद्यमी मुझे मिले, अमेरिका में रहते हैं, तो मैंने कहा भी आप सांझापुर के रहने वाले हैं तो क्या खन्ना जी को जानते हैं? कहाँ साहब, वो हमारे बॉस हैं। अरे हमने कहा बॉस हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों निवेश नहीं करते हैं? कहा खन्ना जी को भेज दीजिए एक बार कैलिफोर्निया, अमेरिका भेजिए, हम उनके साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, जब ये लोग कैलिफोर्निया गए थे तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को वहां से प्राप्त हुए। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है, हम उनको जोड़ नहीं पाते हैं। और अगर हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया होता तो शादी ब्याह में लोगों को मुंह छुपा करके भागने की नौबत नहीं आती, बरसात आती है, लोग भागते हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता की बजाय हमें अपने लोगों को, दो प्रकार के कार्य होंगे, एक तो व्यक्ति अपने रूट से जुड़ेगा, अपने गांव के साथ जुड़ेगा, और जो व्यक्ति जोड़ रहा है, जिसको आपने जोड़ करके थोड़ा सम्मान दिया है, आज वो जोड़ करके अपने यहां काम कर रहा है, कल वह व्यक्ति गांव में
गरीब कन्याओं की शादी में भी योगदान दे सकता है। किसी छात्र को, गरीब छात्र है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप भी दे सकता है। किसी व्यक्ति को किसी अन्य कार्य में योगदान भी दे सकता है। यद्यपि शासन की योजनाएं हैं इन सभी के लिए, शासन की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत इसके लिए तैयारी करें, पंचायती राज विभाग अपने पोर्टल का बेहतर उपयोग करें और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे पारदर्शी तरीके से एक एक पाई का हिसाब जिस व्यक्ति के द्वारा यहां पर योजना में योगदान दिया जा रहा है उसको उपलब्ध करवा सके। 60% पैसा वह देगा, 40% राज्य सरकार देगी, जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और वहां पर कार्य होना चाहिए। अच्छा हुआ जहां ग्राम सचिवालय है उस ग्राम सचिवालय में इसको करें। या खेल का मैदान बन रहा है, खेल का मैदान इस तरीके से करो, उसको मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने में योगदान दे सकते हैं लोग। वहां पे एक कोने में महिलाओं के लिए, एक कोने में पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण हो सकता है, कितना अच्छा होगा। अरे बच्चे स्वस्थ होंगे, नौजवान हमारा स्वस्थ होगा, देश की रक्षा के लिए आगे जाकर के काम करेगा, और दूसरा अस्वस्थ शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ भी करना हो, मजदूरी से लेकर के ग्राम पंचायत का संचालन हो या प्रदेश का संचालन हो, ये स्वस्थ शरीर से ही हो पाएगा, अस्वस्थ शरीर नहीं कर पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाना, अपनी ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना। एक प्रतिस्पर्धा पहले गांव गांव में हो और फिर अगली प्रतिस्पर्धा हम कराएंगे गांव और शहर में। साफ सुथरे गांव है या नगर है, अब तो ज्यादातर गांवों में नाली बन चुकी है, पक्की सड़कें हो चुकी हैं। अभी से प्रयास करिए किसी भी गांव में नाली में कूड़ा नहीं रहना चाहिए, कूड़ा निस्तारण कर दीजिए। बरसात होती है, 15 जून के बाद बरसात जब आएगी, मानसून जब आएगा, तो मानसून आने के साथ ही वहां पर नाली जल निकासी के माध्यम से कहीं भी जल जमाव न हो, वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, क्योंकि जल जमा होगा तो मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, फाइलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, इंसेफ्लाइटिस होगी, कुछ ना कुछ बीमारी होगी। आज पैसे की कमी नहीं ग्राम पंचायतों के पास, पैसा पर्याप्त है, राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पंचायत को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उस पैसे का बेहतर नियोजन करना, उपयोग करना, समय पे कार्य योजना बनाना, विकास के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना, ईमानदारी के साथ उन लोगों को लागू, उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना जो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ये सभी चीजें हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे तो लोग हमारे कार्यकाल को स्मरणीय मानेंगे, अन्यथा समय टाइम पास करने से बहुत बार होता क्या है, लोग इंतजार करते हैं, पहले साल कोई काम नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे, तीसरे साल नहीं करेंगे, चौथे नहीं करेंगे, पांचवें साल में आत्मा जगने लगती है कि अब चुनाव नजदीक आ गए, सारा पैसा एक साथ खर्च कर लो और उसके बाद कार्य योजना ही नहीं बन पाती, तब बाद में हमें कटघरे में खड़ा होना होता है। लेकिन जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा पहले वर्ष से अपने कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा दिया जाता है, मैं देखता हूं, यानी मैं बहुत ग्राम पंचायतों को ऐसे जानता हूं जो आजादी के बाद या जब भी चुनाव हुए हैं तब से ग्राम प्रधान के रूप में वही लोग, वही परिवार आगे बढ़ता रहा है, पूरा गांव निर्विरोध रूप से उन्हें वहां पर प्रधान के रूप में सम्मानित करता है और उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयारी करता है। भाइयों बहनों, उस प्रकार का विश्वास अर्जित करना ही सही सम्मान है। टाइम पास करना सम्मान नहीं होता जी, टाइम पास करके केवल औपचारिकता का निर्वहन कर देना, ये कोई पद भी कोई बहुत ज्यादा बहुत अधिक दिनों तक व्यक्ति को सम्मान नहीं दिलाता है। व्यक्ति के पद से महत्वपूर्ण उसका कर्म होता है, अगर कर्म अच्छा नहीं है आप पद उसको दे दीजिए, हर राह चलने वाला व्यक्ति उसको गाली देगा, लेकिन पद नहीं है, कर्म अच्छा है, हर राह चलने वाला व्यक्ति उस आदर से उसका नाम लेगा।
और इसलिए हमें तय करना है हमें कैसा आदमी बनना है, पहली श्रेणी में खड़ा होना है, दूसरी श्रेणी में खड़ा होना है, और तीसरा कार्यक्रम ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम, 3,100 से अधिक ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब मैनुअली नहीं, लैपटॉप के माध्यम से सारे कार्य उनके संपन्न होंगे, उनके ग्राम पंचायत से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, दुरुपयोग न हो, अगर हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे तो हमें बहुत अच्छे ढंग से हम आगे जाकर के ई गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज 3 बड़े कार्यक्रम पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तकनीक का उपयोग करने, मातृभूमि की योजना और पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी पंचायतों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अन्य ग्राम पंचायतें भी उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगी। जिन ग्राम सचिवों को लैपटॉप प्राप्त हुआ है उसका और बेहतर उपयोग ग्राम पंचायतों के विकास में करेंगे, और मातृभूमि योजना के साथ जो प्रवासी उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, आपके गांव का नागरिक होगा, आपके परिचित होंगे, वे गांव या नगर जहां भी हैं, जैसे आज ग्राम पंचायत इसको लागू कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लागू कर रहे हैं, ऐसे ही शहरी क्षेत्र में भी हम इसको लागू करेंगे, तो हर एक जगह कुछ ना कुछ एक नई सुविधा लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और इसका लाभ, इससे पहले हम ऑपरेशन कायाकल्प में प्राइमरी स्कूलों के पुनरुद्धार के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर चुके हैं। ग्राम आपने देखा होगा पहले हमारी प्राइमरी स्कूल किस प्रकार की जर्जर स्थिति में हुआ करती थी, आज कुछ ही हजार ऐसे बचे हैं, नहीं तो 1,35,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल आज के दिन पर ऐसे हैं जिनका कायाकल्प के अंतर्गत अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अच्छे फर्नीचर लग चुके हैं, स्मार्ट क्लास बन चुकी है, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ चुका है, और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल की सुविधा, बिजली, ये सभी उनको उपलब्ध करवाई जा चुकी, बहुत अच्छी सुविधा गाँव के लोगों ने वहाँ उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही हम गाँव में अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिन्हें यहाँ पे लैपटॉप प्राप्त हो रहे हैं, इन सभी ग्राम सचिवों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि वे बेहतरीन तरीके से उन ग्राम पंचायतों में इसका लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इन 3 योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को, सम्मानित ग्राम प्रधानों को, ग्राम सचिवों को, और मातृभूमि योजना के साथ जो जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, इन सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।